आईपीएल 2024 का 13वां मुकाबला अब से कुछ ही देर में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस सीजन में मुंबई पहली बार अपने घर में इस मुकाबले को खेलने उतरेगी। मुंबई इंडियंस 2 मुकाबले हार कर आ रही है, वहीं राजस्थान 2 मुकाबले लगातार जीत कर आ रही है। बड़ी खबर वानखेड़े स्टेडियम से ये आ रही है कि राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीत कर पहले यहाँ पर बॉलिंग का फैसला किया है। अमूमन वानखेड़े स्टेडियम की टिपिकल पिच पर जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो पहले गेंदबाजी का ही फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने कहा कि इट्स अ गुड टॉट टू लूज, हम देखते हैं हम कितने रन यहाँ पे बना सकते हैं। बड़ी बात यह है कि आज राजस्थान की प्लेइंग 11 में एक बदलाव देखने को मिला है। संदीप शर्मा की जगह नांद्रे बर्गर को मौका दिया गया है आज के इस मुकाबले में। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ज्यादा बदलाव के दौर में नजर नहीं आई है, यानी कि उसी विकेट पर यहाँ पर और उसी प्लेइंग 11 के साथ मुंबई की टीम जो है वो खेलती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ आज ये भी देखना दिलचस्प होगा, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, ये दो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स हैं क्योंकि दो एक साथ भारत के लिए ओपनिंग करते हैं, लेकिन आज अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए वो ओपन करते नजर आएंगे, किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ आज अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या की टीम बाद में गेंदबाजी करेगी, यानी कि मुंबई की टीम को ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर बोर्ड पर लगाने होंगे। हालांकि एक बार फिर हार्दिक पांड्या को यहाँ पर बू किया गया वानखेड़े स्टेडियम में और एक बार फिर उनको यहाँ पर दर्शकों की नफरत का सामना करना पड़ा है। हालांकि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि हार्दिक पांड्या भारत का खिलाड़ी है और उसके खिलाफ इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज के मुकाबले में आखिरकार बाजी कौन मारता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पिच की बात की जाए तो पिच पर लाइवली ग्रास छोड़ी गई है, यानी कि पिच जो है तेज गेंदबाजों को काफी मदद करेगी। राजस्थान की प्लेइंग 11 की बात करें तो जॉस बटलर, शिमरन हेटमायर, ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर, ये 4 विदेशी खिलाड़ी हैं जो टीम में आज खेलते नजर आएंगे अगर बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस भी आज चाहेगी कि जिराल कोट से जसप्रीत बुमराह एक अच्छा स्टार्ट दें गेंदबाजी जब उनकी आएगी, और बल्लेबाजी में फिलहाल ईशान किशन और रोहित शर्मा से काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी मुंबई इंडियंस को, क्योंकि अगर वो एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो नीचे उनके पास वो फायर पावर है कि वो अपनी इस फायर पावर को आसानी से इस्तेमाल कर सकें। सूर्य कुमार यादव इस टीम में है नहीं फिलहाल, शुरुआती 3-4 मुकाबलों से वो बाहर है, उन्हें भी कहीं ना कहीं वो मिस कर रही है मुंबई इंडियंस की टीम। तिलक वर्मा ने पिछले मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी हैदराबाद के खिलाफ, तिलक वर्मा किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड के डायमेंशन की बात की जाए तो इस 7 नंबर पिच पर ये मुकाबला है, 63 और 65 मीटर यहाँ की स्क्वायर बाउंड्रीज है और 74 मीटर यहाँ पर स्ट्रेट बाउंड्रीज है, यानी कि सामने मैदान आज बड़ा है और साइड बाउंड्रीज काफी छोटी आज के मुकाबले में नजर आएगी। वही अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अप्रोच करती है हार्दिक पांड्या की टीम, कैसे वो अपनी टीम को आगे लेकर जाते हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।